జమియత్ ఉలమా వార్షికోత్సవం సందర్భంగా మౌలానా అబూ తాలిబ్ రెహమాని ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సోదర భావం దేశ సమర్థతకు అభివృద్ధికి చాలా అవసరమని ధర్మాన్ని ఆచరించాలని ఈసారి రంజాన్ పండుగను ఘనంగా జరుపుకోవాలని ఆయన అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యక్షులు మౌలానా ఇల్యాస్, మౌలానా షేక్, మౌలానా ముస్టాక్, ధార్మిక పండితులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. सारे लोग मोबाइल साइलेंट के तमाम लोग अध्यक्ष आयोजक शुभ कार्यक्रम इक जो धार्मिक संस्थल वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पागन की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुख्य सभ्यु मौलाना अबू तालिब रहमानी गारु जी कार्यक्रम तेलंगाणा आंध्र प्रदेश उपाध्यक्ष जमीयत उलमा उपाध्यक्ष मौलाना मोहम्मद इलियास गारी आध्र्यन जो इकड़ धार्मिक पंडित वीरंदरू जमीयत उलमा की संबंधित व्यक्ति मंच कार्यक्रम చెప్పటి దీని ద్వారా సమాజానికి ఒక మంచి సందేశం ఇవ్వడానికి ఇక్కడ ముందు వచ్చారు. మొట్టమొదటిసారిగా మా జమీతుల్మా ఉపాధ్యక్షులు మౌలానా మొహమ్మద్ ఇలియాస్ గారిని ఈ యొక్క సభా కార్యక్రమం గురించి 2 నిమిషాలు మాట్లాడాలని కోరుతున్నాను. అస్సలాం జమీతుల్మా నాయబ్ సదర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ. అల్హమ్దులిల్లాహ్ ఆజ్ బడీ ముసర్రత్ ఔర్ ఖుషీ కా దిన్ హై కి ఏక్ ప్రోగ్రామ్ హమ్నే ఇస్తిక్బాల్ రమజాన్ अहमियत मदारिस और इल्म की अहमियत पर रखा, जिसमें हमारे मेहमान खुसूसी हजरत रहबर मिल्लत हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब कबला दामन बरकात में तशरीफ़ लाए हैं. तो हम इस पैगाम के ज़रिए से उम्मत तक ये देना चाहते हैं ये पैगाम कि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, उसके अंदर हम कैसे ज़िंदगी गुजारे, कैसे वक्त गुजारे और रोज़ी की हमारे अंदर क्या अहमियत हो, रमज़ान की क्या अहमियत हो और उसके साथ साथ मदारिस इस्लामिया ये उम्मत को क्या सबक देता है और सबक सिखलाता है, ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीक़ा देता है और इल्म दीन क्या चीज़ है. ये अल्लाह की तरफ से उतरा हुआ कलाम है और उम्मत सारी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला रहबरी करते हैं और सही ज़िंदगी गुजारने का एक सलीका इसके अंदर मौजूद है. उसी के लिए आज मदारिस क़ायम है और इसके ज़रिए से इंसानों की ज़िंदगी को सुधारा जाता है और इनकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी इंशाअल्लाह. हज़रत वाला तफ़सील से आप हज़रात के सामने पेश करें. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. प्रेस के सारे फ्रेंड्स, आपका बड़ा स्वागत है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में. लास्ट ईयर जब COVID-19 को लेकर पैंडेमिक की सिचुएशन खड़ी हुई तो देश के सारे लोगों ने कॉपरेट किया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ और जो लोग वायरीज थे, काम कर रहे थे पैंडेमिक में, उन सब के साथ देश के तमाम लोगों ने और उसमें मुसलमान हमने बहुत कॉपरेट किया. हमने एकता और अखंडता का उदाहरण दिया और पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में हम साथ साथ रहे. सरकार ने आदेश दिया कि धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया जाए, हमने मस्जिदें बंद कर दी, हमने मदरसों को बंद कर दिया. लास्ट ईयर जो रमज़ान गुजरा है, लास्ट रमज़ान टोटली मॉस्क क्लोज रहे. दो चार लोग जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन थे, 5 लोग वही मस्जिद में रहे, उन्होंने अजान दी, उन्होंने नमाज पढ़ी. कोई गैदरिंग नहीं, तरावी नहीं. इस साल मैं देख रहा हूं कि डोमेस्टिक एयरलाइंस ऑपरेट हो रही है, कोरोना बढ़ रहा है, पैंडेमिक की फिर सिचुएशन आ रही है, कुछ जगहों पे लॉकडाउन के नाम पे, कोविड को कंट्रोल करने के नाम पे स्कूलों को फिर बंद किया गया.
मदरसों को फिर बंद किया जा रहा है। कुछ स्टेट में अब रमजान आ रहा है, दो चार चंद दिन बचे एकादश तक, उसके बाद फिर मॉस्क को क्लोज करने के अगर इस तरह की कोई प्लानिंग गवर्नमेंट की चल रही है, तो मैं बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा आवर गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सर, क्या इलेक्शन की जो गैदरिंग होती है उसमें कोरोना नहीं आता है? अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे, रैली चल रही है, बहुत ही एवरीडे 10-15 रैलीज, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में इलेक्शन चल रहे हैं, आसाम में इलेक्शन चल रहे हैं, तो केरला में इलेक्शन चल रहे हैं, पांडिचेरी में इलेक्शन चल रहे हैं, क्या इन इलेक्शनों में कोरोना नहीं है? तो जब आप इलेक्शन पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, इलेक्शन की रैली को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के स्टेज पे नो सोशल डिस्टेंसिंग, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के स्टेज पे नो सोशल डिस्टेंसिंग, तो फिर गाड़ी में 5 लोग जा रहे हैं, तो आप इस रमजान के महीने में हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप मस्जिद को क्लोज ना करें, हम आपके गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। आप कहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते, कहीं नहीं, इवन एयरपोर्ट में भी नहीं है, बसों में नहीं है, वेजिटेबल मार्केट में नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए हम मस्जिद में मेंटेन करेंगे, हम मस्जिद में मेंटेन करेंगे। हम जानते हैं ये भी ज्यादा है, आप कहीं नहीं करते मेंटेन, कहीं नहीं, मार्केट में आप चले जाओ नो सोशल डिस्टेंसिंग, आप हॉस्पिटल में चले जाओ कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग है, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग है, फ्लाइट में आप चले जाए फ्लाइट में कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग है, व्हाट इज द सोशल डिस्टेंसिंग? आप बोर्डिंग कीजिए, चेक इन कीजिए, सिक्योरिटी कीजिए, लाइन में लगी, कहां सोशल डिस्टेंसिंग है? अगर आपको करना है तो प्रॉपर हर स्टेज पे कीजिए, सिस्टम के साथ कीजिए, और लॉकडाउन के नाम पर वो तमाशा नहीं होना चाहिए जो लास्ट ईयर हुआ, करोड़ ऑफ करोड़ लेबर रोड पे आ गए। हम पूरा सपोर्ट करेंगे पेंडेमिक के अगेंस्ट में, कोरोना खत्म हो, वी आर विद अस, बट एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और रमजान साल में एक बार आता है, मैं आशा करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट कि रमजान में मस्जिदों को खुला रहने की इजाजत दें, और इसके लिए हम बहुत थैंक्स होंगे। मदरसे ये रमजान में ऑटोमेटिकली मोस्टली हॉलीडेज होते हैं, लेकिन चूंकि पूरा साल, एक साल जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है किसी का, वो बच्चों का हुआ है, बच्चों के भविष्य खराब हो गए। आई एम वेरी सॉरी, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे सिवाय आई वॉश के कुछ नहीं हुआ है, ओनली आई वॉश, वेस्टेज ऑफ मनी, फीसेस गए हैं, कुछ क्लासेस नहीं हुए, कुछ पढ़ाई नहीं हुई, पैसे बर्बाद हुए, फीसेस लिए गए हैं, यहां पे भी कोई सहूलत नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट हमारे देश में एक सरकार चलती है, सरकार का एक नियम कायदा होना चाहिए, आपके लिए अलग हमारे लिए अलग, तो इस तरह से देश भारत भाषण से नहीं चलता है, भारत संविधान से चलता है, और संविधान का सम्मान हम भी करेंगे, आप भी कीजिएगा। बच्चों का भविष्य पूरा अंधकार हो गया, क्या हो रहा है देश में हमारे, ये बच्चे ये हमारे देश के भविष्य है, ऑनलाइन के पढ़ाई के नाम पर आपने इनको बिल्कुल सबोटाइज कर दिया। मदरसे पूरे तौर पर एक साल तक बंद रहे, फिर भी अगर देश को जरूरत है हमारे सपोर्ट की तो हम सपोर्ट करेंगे, बट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शिक्षा एजुकेशन ये देश का भविष्य है, अगर एजुकेशन नहीं आएगा तो अपराधिक लोग जन्म लेंगे, अगर एजुकेशन नहीं आएगा तो देश की सत्ता पर जो लोग बैठेंगे वो मर्डर करने वाले बैठेंगे, बलात्कार करने वाले बैठेंगे, डकैत लोग बैठेंगे। इसलिए अच्छी संस्कार, अच्छे शिक्षा के साथ देश में न्याय प्रणाली को समझने वाले और देश के संविधान का सम्मान करने वाले ऐसे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, उसके लिए शिक्षा संस्थानों का सपोर्ट किया जाना चाहिए, उसे संभाला जाना चाहिए। टीचर्स, वो बेचारे, उनकी लाइफ क्या हो रही है, हरास हो रही है, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, और स्पेशली लेबर क्लास के बारे में सोचना चाहिए। अपर क्लास, क्रीमी क्लास के लोग तो उनके कुत्ते भी भूखे नहीं मरते, हमारे आम लेबर को तो रोटी भी नहीं मिलती है,
और टॉप क्लास वीवीआईपीज लोगों के जो कुत्ते होते हैं उनकी बिस्किट भी लंदन से आती है। ये तो हमारे देश की दशा है। मैं आशा करता हूँ कि इन तमाम पहलुओं पर हम सारे लोग, देश के सारे भाई बहन, मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सारे जनता, हम लोग को मिलकर सोचना है, क्योंकि हमारे देश के भविष्य का अस्तित्व का सवाल है। थैंक यू। प्रेस सेक्रेटरी जमीयत उल उलमा మాట్లాడుతున్నాండి మా యొక్క ముఖ్య అతిథులు మౌలానా అబూ తాలిబ్ రహమానీ గారు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంతో రావడానికి ధార్మిక సంస్థని అక్కడ జరుగుతున్న కార్యక్రమంలో అటెండ్ అయి అక్కడ నుంచి ఒక శాంతి సందేశాన్ని ప్రజలకు ఇవ్వాలని ముందుకొచ్చారు। ఏంటంటే రంజాన్ మాసం అనేది సంవత్సరానికి ఒకసారి వస్తుంది కాబట్టి ఆ మాసంలో సాధ్యమైనంత వరకు గవర్నమెంట్ వారు మూసివేయడానికి ప్రయత్నించబాకండి, తెరిచి ఉండడానికి ప్రయత్నించండి, కానీ గైడ్లైన్స్ ఇవ్వండి మాకు ఎలా ఉండాలని చెప్పి దాని ప్రకారం మేము తీసుకుంటాము। ప్రతి ఒక్క దగ్గర మీరు ఏదో విధంగా లాక్డౌన్ వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారు, అలాంటి ఇబ్బందులు మళ్ళీ రాకుండా, దానివల్ల ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారు ఆ ఇబ్బంది రాకుండా ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని స్వాగతం పలుకుతారు దాన్ని చేసుకోవడం జరుగుతుంది। కాబట్టి మీడియా ద్వారా మేము చెప్పేది ఏంటంటే లాక్డౌన్ విధించకుండా నియమాలు పాటించాలి అని చెప్పి చెప్తే తప్పకుండా మేము కూడా మీకు సహకరిస్తా అని చెప్పి గురువుల వారు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది। రెండో విషయం ఏంటంటే సాధ్య సందేశం అంటే ప్రతి ఒక్కరూ బాగుండాలి, ఒకరినొకరు సహకరించుకోవాలి, సామరస్యము సోదర భావం అనేది ఇదే సమగ్రత చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది। కాబట్టి మీడియా వారి ద్వారా మాకు మీ విన్నపం ఏంటంటే జమియత్ ఉలమా ఇది ప్లాట్ఫామ్, దేశ అభివృద్ధి కోసం పనిచేసే ఒక గొప్ప సంస్థ, ఇది నేషనల్ సంస్థ, ఇది జాతీయ సంస్థ, కాబట్టి ఇక్కడ పనిచేస్తున్న వారు కొత్తగా ప్రతి సంవత్సరము రంజాన్ మాసానికి ముందు ఒక ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతాము, అదే కార్యక్రమాన్ని అటెండ్ చేస్తే ఇక్కడ మౌనంగా రావడం జరిగింది। నన్ను కలిగి